हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आए दिन इंडिया में बहुत सारे ट्रायल होते रहते हैं। बहुत सारे ट्रायल बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करवाता है और वहीं पर बहुत सारे ट्रायल प्राइवेट होते हैं जो कि किसी कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। दोस्तों, इनमें बच्चे बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इनमें से बहुत सारे ट्रायल फेक भी होते हैं जो कि सिर्फ बच्चों से पैसे लूटने के लिए ही करवाए जाते हैं। और इनमें से बहुत सारे ट्रायल रियल भी होते हैं जो कि बच्चों को अच्छा मौका देने के लिए, एक अच्छे लेवल पर खिलाने के लिए करवाया जाता है। दोस्तों, इसलिए आप लोगों का पैसा डूब ना जाए, इसलिए आप लोगों को सतर्क करने के लिए आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको बीसीसीआई का ट्रायल देना चाहिए या फिर आपको प्राइवेट ट्रायल देना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग ये जानोगे कि आपके लिए कौन सा ट्रायल सही होगा, क्या आपके लिए बीसीसीआई का ट्रायल देना सही होगा या फिर आपको प्राइवेट ट्रायल देना सही होगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग लाखों रुपए के नुकसान होने से बच सकते हो, इसलिए आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग नुकसान से बच सको। और दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र यादव, बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय क्रिकेट सपोर्ट में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी 2-4 महीने पहले ही क्रिकेट की शुरुआत की है तो आप लोग ट्रायल बिल्कुल भी मत दें, चाहे वह बीसीसीआई का ट्रायल हो या फिर प्राइवेट ट्रायल हो। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आप लोग अभी अभी क्रिकेट की शुरुआत की हो, आपको अभी क्रिकेट के बेसिक शॉट के बारे में अभी ठीक से पता नहीं है, इसमें आपके सिलेक्ट होने के चांस बहुत ही कम है। दोस्तों, अगर आप लोग एक्सपीरियंस गेन करने के लिए या ट्रायल देना चाहते हो तो फिर दे सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सिलेक्ट होने के लिए देना चाहते हो तो फिर आप लोग बिल्कुल हिम्मत देना, क्योंकि आप लोग अभी बेसिस को मजबूत करो। आप लोगों की बेसिक उतनी मजबूत नहीं है कि आप लोग सिलेक्ट हो जाओ, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आप लोगों से कई सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स ट्रायल देने आए हुए होते हैं, वहाँ पर अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होता है, ना कि जो लोग बिगिनर होते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक्सपीरियंस गेन करने के लिए या ट्रायल देना चाहते हो तो फिर दे सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो भी बीसीसीआई का ट्रायल होता है वह बीसीसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जो कि हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और वहीं पर जो प्राइवेट ट्रायल होता है वह किसी पार्टिकुलर पर्सन द्वारा या किसी पार्टिकुलर कंपनी द्वारा करवाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये बीसीसीआई का ट्रायल होता है इसमें बीसीसीआई के सिलेक्टर द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। इसमें बीसीसीआई के कोच या बीसीसीआई के सिलेक्टर आते हैं ट्रायल देखने के लिए और बच्चों के टैलेंट और परफॉर्मेंस के आधार पर उनको सिलेक्ट किया जाता है। और वहीं पर प्राइवेट ट्रायल में जो सिलेक्टर होता है वो जरूरी नहीं कि वह बीसीसीआई का ही सिलेक्टर हो, वह कोई भी हो सकता है, वह फ्रॉड भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप लोग बीसीसीआई के ट्रायल को ज़्यादा तवज्जो दें। बीसीसीआई का जो ट्रायल होता है वहाँ पर आपको बहुत ही कम ट्रायल की फीस देनी पड़ती है, और वहीं पर जो प्राइवेट ट्रायल होता है उसकी फीस बहुत ही ज्यादा होती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो बीसीसीआई के ट्रायल की फीस होती है वह लगभग 400 से 500 रुपए तक होती है, और वहीं पर जो प्राइवेट ट्रायल की फीस होती है वह होती है 4000 से लेकर 5000 तक होती है। तो दोस्तों, इसी से आप लोग ये समझ सकते हो कि आप लोगों के लिए कौन सा ट्रायल बेस्ट है, आप लोगों के आगे सिलेक्ट होने के चांस किस ट्रायल में ज़्यादा है। दोस्तों, जो बीसीसीआई का ट्रायल होता है ना, यह रियल ट्रायल होता है, इसमें फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट ट्रायल होता है यह फेक ट्रायल भी हो सकता है, इसमें आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। हो सकता है कि वह कंपनी आपको लालच देकर आपको अच्छे लेवल पर खिलाने के चक्कर में वो आपके पैसे लेकर भाग जाए और आपके पैसे डूब सकते हैं। और वहीं दोस्तों, जो बीसीसीआई के ट्रायल की फीस होती है वह सिर्फ 500 रुपए ही होती है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको 500 रुपए ही जाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। और वहीं पर जो प्राइवेट ट्रायल होता है इसमें 4 से 5 हजार रुपए ट्रायल की फीस लगती है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता या फिर आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है तब आपको 4 से 5 हजार रुपए का नुकसान हो सकता है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग जब भी कोई ट्रायल देने जा रहे हो तब सबसे पहले आप लोग उस ट्रायल के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लो कि ट्रायल कहीं फेक ट्रायल तो नहीं है। अगर वह फेक ट्रायल होगा तब आपको हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कौन से ट्रायल देने के बाद आपके सिलेक्ट होने के चांस बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बीसीसीआई का ट्रायल देने के बाद आपके सिलेक्ट होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों यह एक रियल ट्रायल होता है। दोस्तों, अगर आप लोग इसमें एक बार सिलेक्ट हो जाते हो तब आपको दोबारा कोई ट्रायल नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद आपको आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा, आपको एक अच्छे लेवल पर खेलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, और वहीं अगर बात करें प्राइवेट ट्रायल की, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट होने के लिए बहुत सारे राउंड क्लियर करने पड़ते हैं। मान लो अगर आप लोग पहला राउंड क्लियर कर भी लेते हो तो हो सकता है कि वो लोग आपको दूसरे राउंड में डिस्क्वालीफाई कर दें या फिर आपको सिलेक्ट ना करें, तो ऐसे में आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत ही कम है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप लोग बीसीसीआई के ट्रायल ही दें, आप लोगों के इसमें सिलेक्ट होने के चांस बहुत ही ज्यादा है।
तो दोस्तों इतनी सारी जानकारी के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि आप लोगों के लिए कौन सा ट्रायल बेस्ट है, आप लोगों को कौन सा ट्रायल देने के बाद आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।